हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सबसे पहले सीजीपीएससी ई पाठशाला के सभी सब्सक्राइबर्स को नौ वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। वर्ष 2022 आप सभी का मंगलमय गुजरे। जो भी स्टूडेंट पीएससी व्यापम या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें उनकी मेहनत के आधार पर, उनके परिश्रम के आधार पर वर्ष 2022 में सफलता मिले, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस साल के इस पहले वीडियो से हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आपके दिसंबर माह के करंट अफेयर पर। पूरे के पूरे कंप्लीट दिसंबर माह के करंट अफेयर पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो पिछला जो दिसंबर का महीना गया, इसे बीच में मेरे द्वारा करंट अफेयर का कोई भी कंटेंट नहीं डाला गया। क्यों? क्योंकि जो पिछला जो महीना है इसमें हुआ आपका नगरीय निकाय चुनाव, जिसमें पूरे के पूरे शासन प्रशासन आपके चुनाव कार्य में लगे हुए थे। ना ही कोई नई योजना आई और ना ही करंट अफेयर कंटेंट देखने के लिए मिले। तो पूरे महीने के करंट अफेयर को एक साथ आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं, जो मुझे लगा कि आप में से बहुत से स्टूडेंट के लिए ये लाभदायक हो सकता है। ध्यान समझिएगा। देखिए, अभी जो पिछला जो साल गया इसमें बहुत सी वैकेंसी आई, आगे आने वाले इस वर्ष 2022 में भी बहुत से वैकेंसी आनी बाकी है। जब कभी कोई आपके वैकेंसी आती है तो मेरे पास बहुत से आपके कॉल आते हैं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से जो है काफ़ी स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं कि सर, ये पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़ा जाए और ये स्टडी मटेरियल हमें कहाँ से प्राप्त होगा हमारे क्षेत्र में। तो ये पर्टिकुलर आपके टॉपिक या पर्टिकुलर आपका उस पोस्ट से रिलेटेड कोई भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं होता। जनरली शहरी क्षेत्र में रहने वाले सारे स्टूडेंट्स को प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं, क्योंकि शहरों में जो है जनरली कंपिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड जो आपके मटेरियल है बुक डिपो में अवेलेबल रहते हैं। लेकिन यहाँ मेन समस्या आती है दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले स्टूडेंट्स के साथ, जो आपके सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, बलरामपुर, जशपुर, ऐसे क्षेत्र में जो आपके दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके साथ समस्या आती है। उनके क्षेत्र में बुक डिपो तो रहते हैं लेकिन कम से कम आपके 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर की दूरी पर वो सारे के सारे बुक डिपो रहते हैं और वहाँ पर भी पूरा प्रॉपर कंप्लीट स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता। तो ये समस्या अक्सर मुझे जो है स्टूडेंट्स के साथ देखने के लिए मिली। और बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो छत्तीसगढ़ के निवासी है लेकिन किसी दूसरे राज्यों में आपके जॉब के सिलसिले से, अपने कार्य के सिलसिले से जो है वो दूसरे राज्यों में रहते हैं। तो हर बार उनका छत्तीसगढ़ में विजिट करके कोई ना कोई एक नया बुक परचेस करना, कोई एक अपडेटेड बुक परचेस करना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। आप सभी को पता होगा अभी इसी साल मेरा आपके इकोनॉमिक सर्वे का बुक और करंट अफेयर का बुक पब्लिश हुआ। इसी कड़ी में मेरी जो है एक पहचान हुई एलोरा बुक डिपो से। बिलासपुर का एक प्रतिष्ठित बुक डिपो है। बिलासपुर क्षेत्र में रहने वाले सभी के सभी जो आपके मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट हैं वो इस बुक डिपो के नाम से परिचित होंगे। काफ़ी बड़ा नाम है आपके एलोरा बुक डिपो का, बिलासपुर में है। और आप सभी को पता है कि बिलासपुर जो है हमारे छत्तीसगढ़ में कंपिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड एक एजुकेशन हब है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मेजॉरिटी ऑफ आपकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो आपके बिलासपुर में है। और कोई भी अभी अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर कोई भी बुक पब्लिश होता है तो वो सबसे पहले बिलासपुर के बुक डिपो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखिए, मैं जो आपको डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, इसे किसी प्रकार का पेड प्रमोशन कर रहा हूँ या कुछ आपके पैसे लेकर के आप लोगों को बता रहा हूँ, ये गलती, इसे जो है गलती से भी सोचिएगा मत। क्यों? क्योंकि देखिए, मेरे पास बहुत से ऐसे ऑप्शन आते हैं जिसमें आपके अलग अलग मोबाइल ऐप के अलग अलग कोर्स के एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मुझे पेड किया जाता है, लेकिन मैं कभी किसी का पेड प्रमोशन नहीं करता। अनएकेडमी का आ चुका है, परीक्षा ऐप का आ चुका है, बहुत से पब्लिकेशन जो है बुक के रिव्यू करने के लिए मेरे पास बुक्स भेजते हैं, लेकिन मैं जब तक किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता मैं आप लोगों को उसके बारे में कभी नहीं बताता। और आज भी जो मैं आपको बता रहा हूं ना, क्योंकि मुझे पर्सनली लगा कि आप लोगों को ये जानना जरूरी है। देखिए, ये जो आपका एलोरा बुक डिपो है इनके द्वारा एक ऐप डेवलप किया गया है एलोरा बुक डिपो के नाम से, आपके मोबाइल ऐप में अवेलेबल है। अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें आपके सारे के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के वहाँ पे बुक्स आपको मिल जाएंगे और वो भी लगभग हर एक बुक पर आपको 35 से 45% तक के डिस्काउंट मिलते हैं। छत्तीसगढ़ के साथ साथ छत्तीसगढ़ के आसपास के बहुत से राज्यों में भी वो स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके बुक्स डिलीवर कराते हैं। तो उनका एक मोबाइल ऐप बना हुआ है, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना जरूरी है। अगर आप देखेंगे साइड स्क्रीन में शो हो जाएगा, देखिए इनका जो आपका मोबाइल ऐप बना हुआ है तो आप गूगल प्ले स्टोर में जैसे ही अगर आप सर्च करेंगे इनके मोबाइल ऐप को तो उसमें दिख जाएगा आपका एलोरा बुक डिपो के नाम से ही इनका मोबाइल ऐप बना हुआ है। एलोरा बुक डिपो सर्च करेंगे तो इनका मोबाइल ऐप दिख जाएगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे मोबाइल में तो पहले से ही डाउनलोड है, इसे हम ओपन कर देते हैं। देखिए, जैसे ही से ओपन करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें एक साइड लॉगिन का ऑप्शन है, एक साइड रजिस्टर का ऑप्शन है और नीचे है आपका कंटिन्यू एज अ गेस्ट का।
तो जो भी न्यू मेंबर है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसमें आपका बेसिक डिटेल पूछा जाएगा, नाम, ईमेल आईडी, आप किस राज्य से रिलेटेड है, पासवर्ड, ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें पूछे जाते हैं। अगर आप इसमें टॉप में देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है आपके सेलेक्ट एरिया का। इस सेलेक्ट एरिया में आपका जो है छत्तीसगढ़ के साथ साथ असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में ये अपने बुक्स डिलीवर कराते हैं। तो आप यहाँ से आप डायरेक्ट अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो मेरा तो पहले से ही इसमें मैंने अपना एक आईडी बनाया हुआ है, मैं फिलहाल बैक हो जाता हूँ। एक कंटिन्यू एज अ गेस्ट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। देखिए कंटिन्यू एज अ गेस्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करके आप विजिट करके देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से बुक्स कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे अवेलेबल है और कितने डिस्काउंट मिल रहे हैं। तो जैसे ही अगर आप कंटिन्यू एज अ गेस्ट पर क्लिक करेंगे तो हम तो छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ क्लिक किए, जस्ट नीचे आए और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इंटरफेस ओपन होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका लगभग सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बुक्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हर एक पुस्तकों पर इसमें 35 से लेकर के 45% यानी कि 35-45% तक का डिस्काउंट यहाँ पर दिया गया है। आप इसमें से कोई भी एक बुक जो है आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर नीचे तरफ आपका ज्ञान पब्लिकेशन का, देखिए ज्ञान पब्लिकेशन का आपका भारत का भूगोल वाला एक यहाँ पर बुक अवेलेबल है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्या इसका ओरिजिनल प्राइस है, कितना ये डिस्काउंट दे रहा है, इसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सर्च करने का भी ऑप्शन है। आप ऊपर तरफ देखेंगे तो टॉप में दिया गया है आपका एक सर्च का ऑप्शन, उसमें आप टाइप कर सकते हैं। संविधान का एक काफ़ी फेमस बुक है लक्ष्मीकांत, इसमें आप टाइप कर लीजिए। देखिए तो यहाँ पर लक्ष्मीकांत की बुक हो गई, तो यहाँ पे कितना उसका प्राइस है, कितना डिस्काउंट है, ये सारा चीज़ इसमें दिया गया है। उसके ऊपर आप उसके बाद जो है आपके टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पर कार्ट का ऑप्शन है, कार्ट में जाकर के आप चेक कर लीजिए कौन कौन से आपने स्टडी मटेरियल इसमें ऐड किए हुए हैं और उसके हिसाब से आप जो है इसमें अपना पेमेंट करके आगे इसमें बढ़ सकते हैं। देखिए ये तो बात हो गई आपके मोबाइल ऐप की, लेकिन देखिए मोबाइल ऐप में जो है अगर कुछ चीज़ें अच्छाई है तो कुछ लिमिटेशन भी है। इनका एक जो मिनिमम जो ऑर्डर वैल्यू है वो है आपके 300 रुपीज़ का, कम से कम 300 रुपये के अगर आप बुक्स ऑर्डर करते हैं तभी ये आपके ऑर्डर को प्लेस करते हैं, उससे कम के ऑर्डर जो है इसमें प्लेस नहीं होते, तो ये इसका एक लिमिटेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके जो शिपिंग करते हैं यानी कि जो पोस्ट करते हैं वो आपके इंडियन पोस्ट सर्विस के द्वारा यानी कि स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजेंगे, तो स्पीड पोस्ट का जो है एक आपका नॉमिनल जो चार्ज होता है, जो नॉमिनल जो फीस होता है यानी कि आपके किसी भी आपके क्षेत्र में भेजने के एक पर्टिकुलर किलोमीटर के हिसाब से एक मिनिमल जो चार्ज होता है स्पीड पोस्ट का वो ये लेते हैं। ठीक है, यानी कि आपको पता होगा कि हर बुक के वेट के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से, उसके किलोग्राम के हिसाब से जो है ग्राम किलोग्राम के हिसाब से उसके स्पीड पोस्ट के रेट चेंज होते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले हैं उनके लिए तो उतना ये बेनिफिशियल नहीं होगा, लेकिन जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं उनके लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इनका एक तो डिस्काउंट ऑफर भी काफ़ी मेरे को बेस्ट लगा कि 35-45% के आसपास का डिस्काउंट भी देते हैं, और अगर आप उसमें स्पीड पोस्ट के भी अगर रेट को ऐड करते हैं तो भी आपको अच्छा खासा छूट इसमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस मोबाइल ऐप को यूज़ करके बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। आपको फिर से बता रहा हूँ ये किसी प्रकार का पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे अच्छा लगा करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और आप लोग जो है इसे यूज करके देख सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं दिसंबर माह के करंट अफेयर पर। अभी पिछले जो आपका दिसंबर का महीना गया उसमें हुआ आपका नगरीय निकाय चुनाव। अभी हाल फिलहाल में आपके त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव का आपका अधिसूचना जारी कर दिया गया है। देखिए ये जो चुनाव है ये चुनाव होने वाला है आपके 20 जनवरी को, अधिसूचना जारी कर दी गई है 20 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 होगा। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतलब यानी कि आपका जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है, तीन स्तर है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। इसमें जो है आपका स्पेशली आपको याद रखना है, इसमें जो नामांकन भरा जाएगा यानी कि जो उम्मीदवार चुनाव में खड़े हो रहे हैं उनका जो नामांकन भरा जाएगा वो भरा जाएगा आपके ओनो ऐप के माध्यम से। ओनो ऐप के माध्यम से उसमें वो सारे के सारे उम्मीदवार अपने डिटेल फिल करेंगे और उसका प्रिंट आउट निकाल करके उसे रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाकर के जमा करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो अभी इस साल जो आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज जो चुनाव होने वाला है उस चुनाव में नामांकन किस ऐप के द्वारा भरा जाएगा? ओनो ऐप के द्वारा। ऐप का नाम क्या है? ओनो ऐप।
दोनों ऐप के माध्यम से उम्मीदवार अपने सारे डिटेल भर करके उस नामांकन पत्र की हार्ड कॉपी यानी कि उसका प्रिंट आउट निकाल करके रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करेंगे। चुनाव का डेट भी याद रखना है, 20 जनवरी को आपका चुनाव होगा, त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव। ठीक, देखिए ये चुनाव है, ये आपके छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 28 जिले हैं। देखिए स्टूडेंट जो है इसको लेकर काफ़ी कंफ्यूजन में है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 15 अगस्त 2021 को 4 नए जिले के गठन किए जाने की घोषणा की गई थी। 4 नए जिले कौन कौन से थे? मोहिला मानपुर, अंबागढ़, चौकी 1, मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी 2, आपका सक्ती 3, और चौथा था आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़। इन 4 नए जिले के गठन किए जाने की घोषणा 15 अगस्त 2021 को किया गया। इससे संबंधित अभी हाल फिलहाल में ही कुछ महीने पहले आपका एक अधिसूचना भी जारी किया गया था। बहुत से स्टूडेंट क्या समझते हैं कि उस अधिसूचना के जारी होने के बाद ही वो सारे के सारे जिले अस्तित्व में आ चुके हैं, लेकिन इस गलतफहमी में मत रहिएगा। आज 1 जनवरी को ये वीडियो आ रहा है और आज के डेट में हमारे छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है? 28। 28वां जिला कौन सा है? गोरिल्ला, पेंड्रा, मरवाही। वो 4 नए जिले अभी अस्तित्व में आए नहीं है, केवल घोषणा हुई है। और राजपत्र में जो अधिसूचना जारी किया गया था वो दावा आपत्ति का अधिसूचना था, यानी कि उसकी सीमाएं बताई गई थी सरकार के द्वारा, और उसकी सीमाओं से संबंधित अगर किसी को कोई आपत्ति है तो अपना दावा आपत्ति पेश कर सकता है। 60 दिन का समय दिया गया है और उस 60 दिन के पश्चात ऑटोमेटिकली उन नए जिलों का सृजन हो जाएगा, उसके सृजन से संबंधित एक और अलग से अधिसूचना जारी किया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है? 28 ही है। ठीक है, तो गलती से 32 को याद मत रखिएगा और 32 से रिलेटेड कोई भी अपने मैप से छेड़खानी मत कीजिएगा। अभी देख रहा हूं बहुत से आपके नए मैप आ चुके हैं पहले से, वो नए मैप भी आपको आगे काम आएंगे, लेकिन अभी जो बाकी के जो आपके 4 जिले, जो नए 4 जिले हैं, ये अस्तित्व में नहीं आए हैं। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है? वो है आपके 28। ठीक है, तो इन 28 जिलों में से अभी जो चुनाव होने वाले हैं आपके त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, उसमें से 2 जिले कौन कौन से? कोरिया और कोंडागांव, इसके 8 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे। कोरिया के 3 ग्राम पंचायत, कोंडागांव के 5 ग्राम पंचायत में चुनाव होने वाले हैं। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के इन 28 जिलों में से आपके बहुत से क्षेत्रों में आपके उपचुनाव होंगे, जिसमें से 3 जिला पंचायत है। 3 जिला पंचायत, जिलों के नाम याद रख सकते हैं, एक है आपका रायगढ़, दूसरा है आपका सूरजपुर और तीसरा है आपका बीजापुर। ठीक है, इन 3 आपके जिला पंचायत में, इन 3 जिलों में जिला पंचायत चुनाव होगा। उसके अलावा 30 जनपद पंचायत चुनाव होंगे, इसके साथ साथ 235 सरपंच पद उम्मीदवार के चुनाव होंगे और 1807 पंच पद के जो है आपके उम्मीदवारों के चुनाव होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न ना आपका पीएससी में ऐसा उठपटांग प्रश्न नहीं आता, लेकिन व्यापम ना अक्सर कथन आधारित प्रश्न में घुमा देगा कि जो चुनाव जो है वो 20 जनवरी को हो रहा है, ओनो ऐप के माध्यम से नामांकन पत्र भरा गया, उपचुनाव में जो है आपके 3 जिला पंचायत, 30 जनपद पंचायत, 235 सरपंच और 1807 पंच जो चुनाव लड़ा गया, ऐसे उठपटांग के जो आपके क्वेश्चन जो है ना ये अक्सर देखने के लिए मिलते हैं व्यापम में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो उपचुनाव जो है वो 3 जिला पंचायत में, 30 जनपद पंचायत में, 235 सरपंच और आपके 1807 पंच, आपके पंच पद के लिए चुनाव होंगे। ठीक, अब देखिए जो मतदान होगा, ये मतदान आपके मत पत्रों के माध्यम से होगा। मत पत्र यानी कि बैलेट पेपर। ठीक है, यानी कि थप्पा लगा करके आपके वोट दिए जाएंगे। ये जो आपका बैलेट पेपर के माध्यम से होगा और इसमें नोटा का ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि नन ऑफ दी अबव। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे थे हमारे जो आपके विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, इसके अलावा अभी हाल ही में जो नगरीय निकाय चुनाव हुए उनमें सभी में नोटा का ऑप्शन था। लेकिन ये जो आपका जो अभी 20 जनवरी को जो चुनाव होने वाला है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, इसमें नोटा का विकल्प नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अगर आपको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो पहले हम जो है अपना जो वोट है वो नोटा को दे सकते थे, लेकिन इस बार नोटा का विकल्प नहीं है, नन ऑफ दी अबव का विकल्प नहीं है इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में। देखिए अब ये जो है मत पत्र के माध्यम से चुनाव होंगे और चुनाव जो है जिला, जनपद, सरपंच और पंच, ये सभी आपके पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। तो जो पंच पद के उम्मीदवार है उसके मत पत्र का कलर होगा सफेद। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, मैच द फॉलोइंग में आता है और कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो जो पंच पद के उम्मीदवार के लिए जो मत पत्र होगा वो होगा सफेद रंग का। सरपंच पद के उम्मीदवार का जो आपका मत पत्र का रंग होगा वो होगा नीला। जनपद पंचायत सदस्य, ध्यान दीजिएगा,
जनपद पंचायत सदस्य, पूरा लिखिएगा, सदस्य का चुनाव हो रहा है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं, सदस्य का चुनाव होता है, ठीक है। तो जनपद पंचायत सदस्य के जो आपके उम्मीदवार है उनके मत पत्र का कलर होगा आपका पीला, और जनपद पंचायत सदस्य के मत पत्र का कलर होगा आपका गुलाबी। मैच द फॉलोइंग, और सत्य असत्य युग्म से संबंधित जो है क्वेश्चन इसमें बहुत बार पूछे गए हैं। तो मत पत्र के कलर को याद रखिएगा, पंच सफेद, सरपंच नीला, जनपद पंचायत सदस्य पीला, जिला पंचायत सदस्य गुलाबी, और इस सभी के सभी जो मतपत्र है ये फोटो युक्त मतपत्र होंगे, यानी कि जो उम्मीदवार खड़ा है उसके आगे उस उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह तो होगा, चुनाव चिन्ह के साथ साथ उस उम्मीदवार का फोटो भी होगा, तो फोटो युक्त मतपत्र है जिसमें नोटा का विकल्प नहीं है, ठीक। अब जमानत राशि की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, पंच पद का जो उम्मीदवार है उसके लिए जो निर्धारित जमानत राशि है, इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड यूज होता है, प्रतिभूति निक्षेप राशि, ठीक है, दोनों एक ही है, जमानत राशि या प्रतिभूति निक्षेप राशि। तो पंच पद के उम्मीदवार की जमानत राशि है आपकी 50 रुपये, सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए जो जमानत राशि है वो है 1000 रुपये, जनपद पंचायत सदस्य के लिए जो आपकी जमानत राशि है वो है आपके 2000 रुपये, जिला पंचायत सदस्य के लिए जो आपकी जमानत राशि है वो है आपका 4000 रुपये। ये है आपके जनरल कैटेगरी के लिए। अगर वहीं रिजर्व कैटेगरी की बात करें, रिजर्व यानी कि अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी यानी कि आपका अन्य पिछड़ा वर्ग, और महिला, अगर ये इन क्षेत्रों से, इन रिजर्व कैटेगरी से अगर कोई उम्मीदवार है तो ये जो राशि जो निर्धारित की गई है इसका हो जाएगा आधा, यानी कि अगर पंच पद का उम्मीदवार इन रिजर्व कैटेगरी से है तो उन्हें 50 के जगह देना पड़ेगा 25 रुपए, सरपंच पद का उम्मीदवार अगर रिजर्व कैटेगरी से है तो 1000 के जगह देना पड़ेगा उसको 500, जनपद पंचायत सदस्य अगर रिजर्व कैटेगरी से है तो 2000 के जगह देना पड़ेगा कितना, 1000, और आपका जिला पंचायत सदस्य अगर रिजर्व कैटेगरी से है तो उसे जो है 4000 की जगह कितना देना पड़ेगा, मात्र 2000, यानी कि रिजर्व कैटेगरी को 50% छूट है। दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न और आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी सुमेलित नहीं है, उसमें रैंडम दे देता है, क्या देता है, आपका पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, उसे बताता नहीं है कि क्या करना है, बस ये बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं छाटिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो चुनाव हो रहे हैं ये सभी के सभी चुनाव कैसे हैं, प्रत्यक्ष चुनाव, यानी कि जनता जो है पोलिंग बूथ में जाकर के थप्पा लगा करके अपने उम्मीदवार को चुन रही है, कौन से पद के लिए, पंच पद, सरपंच पद, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ठीक है, यहां पर पूरा लिखिएगा, जनपद पंचायत सदस्य और आपका जिला पंचायत सदस्य। तो ये जो है, ये जो आपके पदाधिकारी है ये प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से निर्वाचित होते हैं, जबकि जनपद पंचायत अध्यक्ष और आपका जिला पंचायत अध्यक्ष इनका जो है आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनते हैं, रंगों से बनते हैं, क्या ऑप्शन था क्या ऑप्शन नहीं था, करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बनेगा, चुनाव कब हो रहा है, 20 जनवरी को, नामांकन ओनो ऐप के माध्यम से, और इसका जो रिजल्ट है, चुनाव का जो परिणाम है, देखिए मत की जो गणना है वो आपके 20 जनवरी से ही प्रारंभ हो जाएगी, जबकि चुनाव परिणाम जो है पंच, सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य का जो चुनाव परिणाम है वो आएगा आपके 22 जनवरी को, यानी कि 2 दिन बाद, जबकि जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव परिणाम है वो आएगा 24 जनवरी को, ठीक है। तो इस सारे चीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, स्पेशली ये मत पत्र के कलर से और जमानत राशि से। ध्यान दीजिएगा, अगर बोल रहा है आपका अनुसूचित जाति पंच पद उम्मीदवार और यहाँ पे 50 रुपये लिखा है तो वो ऑप्शन होगा गलत, क्योंकि ये रिजर्व कैटेगरी कौन सा है, SC ST OBC और महिला वर्ग, तो वहाँ पर ये प्रतिभूति निक्षेप राशि जस्ट आधा हो जाता है, 50 का हो जाएगा 25, 1000 का हो जाएगा 500, 2000 का हो जाएगा 1000 और 4000 का हो जाएगा आपका 2000, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर ये कहाँ खोला गया, ये खोला गया है आपके रायपुर जिले के तेंदुआ ग्राम में, ठीक है, रायपुर जिले के तेंदुआ ग्राम में हमारे प्रदेश का इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। इसका उद्घाटन हुआ है आपके 9 दिसंबर 2021 को और इसके संचालन के लिए जो कंपनी अधिकृत की गई है वो है आपकी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। जैसे कि आप सभी को पता है कि कार बनाने वाली कंपनी है हमारे प्रदेश में, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हमारे प्रदेश, बहुत सारी आपके हमारे देश में सॉरी प्रदेश बोल रहा हूँ हमारे देश में बहुत से ऐसे कार मैन्युफैक्चरिंग
कंपनी जैसे कि आपका टाटा मोटर्स हो गया, आपका मारुति सुजुकी हो गया, होंडा हो गया, ह्युंडई हो गया, ठीक है, ऐसे अलग अलग जो है आपके स्कॉडा हो गया, अलग अलग आपके कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उनमें से एक है आपका मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जो कि इस हमारे प्रदेश में जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर खोला गया है उसके संचालन के लिए एक अधिकृत कंपनी है, ठीक है, यानी कि इस इंस्टीट्यूट का संचालन मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? न्यूनतम फीस में कमर्शियल व नॉन कमर्शियल वाहन को चलाने की ट्रेनिंग देना, ठीक है। कमर्शियल वाहन का मतलब होता है भारी वाहन, जैसे कि ट्रक, बस, ठीक है, ये सभी आपके कमर्शियल वाहन होते हैं। नॉन कमर्शियल वाहन यानी कि जो नॉर्मल आपके चार पहिए जो कार होते हैं वो आपके नॉन कमर्शियल वाहन है, ठीक है। तो एकदम न्यूनतम फीस पे, एकदम रियायती दरों पर आपके कमर्शियल और नॉन कमर्शियल वाहन को चलाने की ट्रेनिंग देना, ठीक। अभी इसमें जो प्रशिक्षण है, तो जो कमर्शियल वाहन है यानी कि जो भारी वाहन है जैसे कि ट्रक और बस है, उसके लिए जो प्रशिक्षण की अवधि है वो है 90 दिनों की, जबकि नॉन कमर्शियल वाहनों के प्रशिक्षण की अवधि है आपके 21 दिनों की, ठीक है। इसका फीस कितना है अभी निर्धारित, शायद अभी कुछ समय पहले ही किया गया है उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी फीस इसमें निर्धारित किया जाएगा उस टोटल फीस में से अगर महिला और आपके थर्ड जेंडर कैटेगरी के अगर लोग हैं तो उन्हें जो है जो भी इसके प्रशिक्षण के लिए जो निर्धारित फीस है उसमें 50% की छूट दी जाएगी, जबकि अगर कोई दिव्यांग है तो उसे पूरा निःशुल्क फ्री में ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर ये खोला गया है आपके तेंदुआ ग्राम रायपुर में, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके गणतंत्र दिवस परेड झांकी 2022। देखिए अभी जो आपका 26 जनवरी 2022 को जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उस गणतंत्र दिवस की झांकी के लिए हमारे इस छत्तीसगढ़ का भी चयन हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ से हमारे प्रदेश में जो गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा हरेली के पर्व पर, उस गोधन न्याय योजना की एक झांकी इस गणतंत्र दिवस के परेड में इसकी प्रस्तुति दी जाएगी। देखिए ये जो गणतंत्र दिवस का थीम है इस साल का वो है आपके इंडिया 75 न्यू इंडिया थीम, इस थीम पर है। ये 75 क्या है? हमारा जो देश है वो आजादी का 75वां वर्ष मना रहा है, ठीक है। तो इसी थीम में जो है आपके इंडिया 75 न्यू इंडिया थीम में पूरे भारत भर के केवल 12 राज्यों की झांकी का चयन हुआ है। इन 12 राज्यों की झांकी में से हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल है, जिसमें गोधन न्याय योजना के कॉन्सेप्ट की झांकी की प्रस्तुति दी जाएगी। इस झांकी में जो है आपके तीन भाग है, अग्रभाग, मध्य भाग और आपका पृष्ठभाग यानी कि पिछला भाग। अगर आप देखे होंगे, मैंने करंट अफेयर कंटेंट भी आपके टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूं, उसमें इसमें जो है आपके इस झांकी का फोटो भी दिखाया गया है। तो देखिए इसके जो अग्रभाग है, अग्रभाग में महिलाएं जो है पारंपरिक पोशाक यानी कि आपके जो परंपरागत जो उनकी वेशभूषा होती है, जो उनकी वस्त्र होती है, जो आभूषण होते हैं उसे पहन करके गोबर एकत्र करके टोकनी सिर में लेकर के वो गोठान के संग्रहण केंद्र की ओर उसे लेकर के जा रही है बेचने के लिए, ठीक है। तो जो सबसे सामने के भाग में है उसमें तीन महिलाओं को दर्शाया गया है जो सिर पर टोकनी लेकर के पारंपरिक वेशभूषा धारण करके सिर के टोकनी में गोबर लेकर के गोठान के संग्रहण केंद्र में उन गोबर को बेचने के लिए जा रही है, ठीक है। उनके आजू बाजू जो है बहुत सारे आपके गमलों में आपके फूल उगाए गए हैं, वहां पर फल सब्जियां आदि उगाई गई है, जो एक तरीके से जो हमारे इस गोधन न्याय योजना के कॉन्सेप्ट को दर्शा रहा है, ठीक है। नीचे तरफ बहुत सारे उसमें दिए बने हुए हैं। अगर मध्य भाग की बात करें तो मध्य भाग में सेंटर पॉइंट में यहां पर है आपकी गाय जो कि आपके ग्रामीण अर्थव्यवस्था का केंद्र है, ठीक। जबकि इसके पृष्ठ भाग में है आपके गोठान से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का विकास हो रहा है। कि इस प्रकार से गोठान जो है एक रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित हो रहा है उसे दर्शाया गया है आपके इसके पिछले भाग में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इस साल के जो गणतंत्र दिवस की जो झांकी है वर्ष 2022 में, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना को शामिल किया गया है। और गणतंत्र दिवस का थीम क्या है? इंडिया 75 न्यू इंडिया थीम, ठीक, न्यू आइडिया थीम, सॉरी मैं यहां न्यू इंडिया बोल रहा हूं, न्यू आइडिया थीम, इंडिया 75 न्यू आइडिया थीम। अगर बात करें तो जो गोधन न्याय योजना है ये एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नया आइडिया है कि किस प्रकार प्रदेश सरकार 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीद रही है, उससे वर्मी कंपोस्ट बना रही है, अभी उसी गोबर का उपयोग करके बिजली ही बनाया जा रहा है हमारे प्रदेश में। तो ये एक नया आइडिया है, न्यू आइडिया है, इसलिए हमारे प्रदेश के इस झांकी का चयन हुआ है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है आपके नीति आयोग समग्र स्वास्थ्य सेवा सूचकांक।
नीति आयोग के द्वारा अभी हाल ही में पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में समग्र स्वास्थ्य सेवाओं से रिलेटेड एक सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें टॉप में है आपके दक्षिण भारत के राज्य कौन है, पहले पे है केरल, दूसरे पे है तमिलनाडु, तीसरे पे है तेलंगाना, ठीक है, और छत्तीसगढ़ जो है वो टॉप 10 में है, यानी कि 10वें स्थान मिला है हमारे छत्तीसगढ़ को नीति आयोग द्वारा जारी समग्र स्वास्थ्य सेवा सूचकांक में। इतना ही है, उससे ज़्यादा इसमें याद नहीं रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड। टी कॉफी, टी का मतलब होता है चाय और आपका कॉफी, दोनों की दोनों आपके पेय पदार्थ है। टी कॉफी बोर्ड का गठन किया गया था हमारे छत्तीसगढ़ में 17 अक्टूबर 2021 को। इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखना ना। देखिए अक्सर ये जो है बोर्ड के गठन से संबंधित, इनके डेट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो छत्तीसगढ़ में टी कॉफी बोर्ड का गठन कब किया गया, 17 अक्टूबर 2021 को इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष होंगे कृषि एवं जल संसाधन मंत्री, जबकि इसके उपाध्यक्ष होंगे आपके उद्योग मंत्री, ठीक है, ये लगभग आपके पदेन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। तो वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री, कृषि एवं जल संसाधन मंत्री कौन है, वो है आपके रविंद्र चौबे जी, जो कि इस टी कॉफी बोर्ड के अध्यक्ष है, और इसके उपाध्यक्ष होंगे आपके उद्योग मंत्री, जो कि वर्तमान में है आपके कवासी लखमा। इसके सदस्य के रूप में होंगे आपके अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय से, कृषि उत्पाद आयुक्त, प्रबंध संचालक CSIDC यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कृषि या उत्पाद व वन विभाग से एक एक आपके सदस्य शामिल होंगे, तथा 2 सदस्यों को विशेष सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, इस बोर्ड का स्ट्रक्चर क्या है। गठन कब हुआ, 17 अक्टूबर, ये दिसंबर का करंट अफेयर नहीं है, अक्टूबर का, लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हाल ही में जो है इसका पहला बैठक हुआ दिसंबर के महीने में, जिसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में चाय के उत्पादन में अग्रणी जो आपका जिला है वो है जशपुर, जबकि कॉफी के उत्पादन में अग्रणी जिला है वो है आपका बस्तर, ठीक है। तो टी कॉफी बोर्ड का गठन हुआ 17 अक्टूबर 2021 को, जिसके पदेन अध्यक्ष होंगे कृषि एवं जल संसाधन मंत्री, पदेन उपाध्यक्ष होंगे आपके उद्योग मंत्री, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है आपके रविंद्र चौबे, और आपके उपाध्यक्ष कौन है आपके कवासी लखमा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। हाल ही में आपका नैना सिंह धाकड़, नैना सिंह धाकड़ कौन है, एक पर्वतारोही है, ठीक है, पर्वतारोही, जिन्हें जो है एक खिताब मिला, इनके जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड यानी कि इन्होंने हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई थी आपकी 48.46 मीटर, यानी कि 8,848.46 मीटर इसकी ऊंचाई थी माउंट एवरेस्ट की, इस पर इन्होंने फतह किया, इसीलिए इनका नाम जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, ठीक है। नैना सिंह धाकड़ प्रदेश के किस एक व्यक्तित्व का नाम हाल ही में आपके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, तो वो है आपके नैना सिंह धाकड़। हमारे प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध आपके पर्वतारोहियों के नाम याद रखिएगा, जैसे कि राहुल गुप्ता, अभी एक हाल ही में अभी एक एग्जाम हुए थे जिसमें अमीषा श्रीवास का नाम आया था, उसके अलावा आपका नैना सिंह धाकड़, ये इनका नाम थोड़ा सा जो फेमस आपके पर्वतारोही है इनके नाम याद रखिएगा। अभी तक जो आपके नैना सिंह धाकड़ है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और इसके साथ साथ माउंट लोहत्से, जो कि विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है आपकी 8,516 मीटर, इन दोनों आपके पर्वतों पर इन्होंने फतह हासिल किया है, ठीक है। विविध में थोड़ा सा याद रखिएगा, सिंगल वन लाइनर है, दो क्वेश्चन बनेगा, एक है आपका सात बहिनी पहाड़ी किस जिले में है, दूसरा सात बहिनी जलप्रपात किस जिले में है, दोनों का लोकेशन एक ही है आपका बलरामपुर जिला, ठीक। दूसरा है मोरमाटी ऐप, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है मोरमाटी ऐप। ये मोरमाटी ऐप किस क्षेत्र से संबंधित पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ कला एवं संस्कृति पर आधारित है ये ऐप, कौन सा, मोरमाटी ऐप, ठीक है। नाम और ये विभाग कौन सा है या किस क्षेत्र कौन सा है, ये दोनों आपस में मिलते तो दिखाई नहीं दे रहे। मोरमाटी ऐप, ये कृषि क्षेत्र, कई सीधा दिमाग जाता है माटी जहां सुनते हैं कृषि क्षेत्र, लेकिन ध्यान दीजिएगा मोरमाटी ऐप जो है ये छत्तीसगढ़ कला एवं संस्कृति पर आधारित एक ऐप है। उसके बाद देवपुर मेला धमतरी, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो है धमतरी में आयोजित होने वाले देवपुर मेला में शामिल हुए। ये देवपुर मेला जो है इसे कबीर सत्संग मेले के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि देवपुर मेला जो है ये किस जिले में भरता है या किस जिले में आयोजित होता है, तो ये है आपका
धमतरी जिले में जो कि कबीर सत्संग मेला है। उसके बाद है आपका दुरदुरी जलप्रपात कबीर धाम में है। नाम बस याद रखना है, नया जलप्रपात मतलब एक नया नाम जो आपको सुनने के लिए मिल रहा है आपका दुरदुरी जलप्रपात और सात बहिनी जलप्रपात। सात बहिनी जलप्रपात बलरामपुर, दुरदुरी जलप्रपात वो है आपका कबीर धाम में। तो ये सारे हैं आपके करंट अफेयर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आज के लिए इतना ही, किसी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।